हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको सिखाऊंगी ये फुल मलाई जो हम दूध से उतारते हैं, इससे मक्खन कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इतना बड़ा एक बर्तन लूंगी, मैं अपनी सारी मलाई इसमें ऐसे ट्रांसफर कर लूंगी। देखिए, मैंने अपनी पूरी मलाई को इसमें इकट्ठा कर लिया है। अभी मैं इसमें बिल्कुल ये चिल्ड वाटर डालूंगी, पूरा ऐसे भर के। देखिए, मैं ये ब्लेंडर ले लूंगी जिससे हम मसाला वगैरह बनाते हैं सब्जी के लिए, और इसको लगाएंगे और इसको ऐसे चला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे 10 मिनट चलाऊंगी, ठीक है। और जब इसका बाद में जो मक्खनी बनने के बाद जो इसमें से दूध बचता है ना, मैं उसका आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगी यूज करने का कि आप हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब इसमें से मैं मक्खन निकाल लूंगी। आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसे चलाते हुए, और देखिए इससे घी बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये पानी अलग हो गया है और ये घी बनना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसे 2 मिनट के लिए और चलाएंगे ताकि ये घी हमारा अच्छे से इकट्ठा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा घी बना, ये हमारी मक्खनी तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अलग हो गया है। ऐसे करके हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं, और मैं इसे ऐसे उठाऊंगी और अच्छे से इसका सारा पानी निचोड़ दूंगी। देखिए, जो इसमें एक्स्ट्रा दूध है वो सारा निकल जाएगा। ये हमारा देखिए कितना ज़्यादा मक्खनी बनके तैयार हुआ है, और मैं इसे अलग रख लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो इसमें ठंडा पानी यूज़ किया था ना, बर्फ़ वाला, ये सब उसका कमाल है। देखिए, ये मेरा घी निकल गया है सारी मक्खनी इसमें से, और इधर मेरा ये जो बाकी बच जाता है एक्स्ट्रा, देखिए वो सब है। अब इसका आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, एकदम अच्छा तरीका। तो चलिए मैं बताती हूँ। इसे हम फुल गैस चला के उस पर रखेंगे और इसको एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है बिल्कुल। अभी मैं क्या करूंगी, मैंने ये लस्सी ली है और मैं इसमें ये लस्सी डाल दूंगी सारी। देखिए, अब इसे चलाएंगे। आप दही भी ले सकते हैं अगर आपके पास लस्सी नहीं है। इसे सिर्फ 2 मिनट और चलाना है। ये हमें गरम गरम में डालनी है बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मिनट चलाते ही बिल्कुल ऐसे फट गया है बिल्कुल। इसमें से पानी अलग हो गया है और दूध का जो स्टार्च था वो बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसे छलनी से ऐसे छान लेंगे। देखिए, ये जो इकट्ठा हो रहा है छलनी में, ऐसे हम इसे अलग किसी बर्तन में छान लेते हैं छलनी रख के उसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको छान लिया अच्छे से, और इसको ऐसे पूरा इसका पानी हम स्टेन कर देंगे। देखिए, और ये हमारा अच्छा खासा पनीर का एक पीस बनके तैयार हो गया है, जिससे आप चाहे परोंठे बना सकते हैं या फिर आप सब्जी में भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो एक टोरी, एक बावल, उससे मलाई से हमने इतनी सारी मक्खनी बना ली है, और ये इतना सारा हमने पनीर बना लिया है। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।